सुनो बच्चों, इस वक्त जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ किसी बॉस की हैसियत से नहीं, तुम्हारे बाप की हैसियत से और तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से। मुझे ये जानना है हुआ क्या तुम्हारे बीच। मुराद, इनसे ही पूछ लीजिए। सोना, निजात अंकल आपके बेटे को बिल्कुल नहीं मालूम कि एम्प्लॉय से कैसे बात करते हैं। जो जैसा होता है वैसे ही बात करता हूँ। जी मिस्टर मुराद, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बातों में दखल देना अच्छा नहीं। मैडम को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। तुम दोनों का मसला ये है कि बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो आपस में। मुझे प्लीज सिर्फ इतना बताओ कि रिजाइन किस लिए दिया तुमने। मुराद सर बताएंगे तो अच्छा है। मुराद, अगर आपके साथ सख्त लहजे में बात की है तो मिस हयात, उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे तो जरा नहीं लगता है कि आपको शर्मिंदगी हुई है। दोनों खुद ही बोले जा रहे हो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर। घर की तरबियत बहुत अहम होती है बाबा, जो कि साफ नजर आ रही है। मैंने जॉब छोड़ दी है, ऐसी जगह मुझे काम नहीं करना जहाँ मेरी इज्जत ना हो। लेकिन अंकल आप परेशान मत हो, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी लड़की को इस कंपनी में जॉब दी। निजात अंकल आपसे एक बात कहनी है। क्या कहना है बेटा? जॉब मैंने छोड़ दी है, ये बात मैं बाबा को खुद बताना चाहती हूँ, आप मत बताइएगा। अरे बेटा परेशान मत हो, समझ सकता हूँ मैं ये। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, चलती हूँ मैं। गुड बाय बेटा, गुड बाय। हाँ, अब तो खुश है ना आप? बाबा मैंने कुछ नहीं किया है, जरा सी भी प्रोफेशनल नहीं है वो। मुराद, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि क्या किया है तुमने? इस वजह से बरसों की दोस्ती खत्म हो सकती। इस टॉपिक को खत्म करते हैं बाबा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी प्लीज। जो बात सच थी वो बाबा को क्यों नहीं बताई? डर गई थी क्या? अच्छा तो खुद क्यों नहीं बताया, या फिर कोई शक था दिमाग में? गुड बाय, यहां का सफर खत्म हो गया। फोन क्यों उठा रही थी? कैसी हो, ठीक हो ना तुम? हाँ बस ठीक ही हूँ। हयात तुम कहाँ हो इस वक्त? अपना पर्स लेकर बाहर आ गई हूँ मैं, मगर ऑफिस के सामने ही बैठी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही माउफ हो गया है, दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया है? बताओ क्या करूँ? देखो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से टैक्सी पकड़ो और फौरन मेरे पास आ जाओ तुम। दिल नहीं कर रहा यहाँ से उठने का, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर सकती हो? आपको जैसा कहा है वैसा करें। मेरी प्यारी दोस्त, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बैठ के कुछ हल निकालते हैं, समझी तुम?